Hey guys, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टैग एफसी में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 कमाल के ऐसे गैजेट्स जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कूल बनाने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बना देंगे, और इन गैजेट्स से हमारी लाइफ एकदम ब्राइट होने वाली है। फिर बिना देरी कर अपनी लाइफ को और ब्राइटनेस दे दीजिए इन गैजेट्स के साथ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ गैजेट्स काफी सस्ते भी हैं। सो गाइस, नंबर 10 का गैजेट है टर्बोजेट्स। बिना अपने पाँव को चलाए अगर आपको सड़क पर चलना है या फिर कहीं जाना है, तो हमें बाइक या फिर बाइसिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर दूसरे किसी व्हीकल का। पर अब आपको एक इलेक्ट्रिकल पावर से चलने वाली इतनी छोटी सवारी देने जा रहा हूँ, जिससे पहले आपने इतनी छोटी कोई इलेक्ट्रिकल सवारी नहीं की होगी। और इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है, बस इसे अपने बॉक्स में निकालना है। जिसमें से निकलेगा उसकी 5 जरूरत की चीज़ें भी साथ में आएगी, इसका चार्जर, इसके जेट्स और इंस्ट्रक्शंस की बुक। इससे पहले इसके चार्जर से इसको फुल्ली चार्ज कर लेना है, और फिर इसके जेट में किसी सैंडल की तरह ओपन होने वाली सेटिंग है, उसमें आप अपने शू को डाल सकते हैं और इसे आसानी से पहन सकते हैं जैसे आप किसी स्केटिंग को पहनते हैं। और फिर यह ऑटोमेटिक तरीके से जैसे ही एक बार इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक इलेक्ट्रिकल बिल की तरह इसकी सवारी करवाती रहेगी, और आपको पैर नहीं चलाना पड़ेंगे, बस अपने पैरों के पंजों को आगे की तरफ से ऊपर कर लेना है। यह टर्बोजेट्स लाइट वेट है और आसानी से पहनने में आ जाती है, और आपके बच्चे को बिना कोई मेहनत की ताज़ी हवा खिलाने की बहुत शानदार चीज़ भी है। सो गाइस, नंबर 9 का गैजेट है वॉल्टरमैन स्मार्ट वॉलेट। हमारी पॉकेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा वॉलेट है, जिसमें हम हमारी मने भाई को रखते हैं और ज़रूरी कार्ड्स भी। पर अगर ये वॉलेट गलती से कहीं छूट जाता है तो कोई भी हमें इसे वापस लाकर नहीं रहता, और आपके मनी भाई के साथ साथ आपके ज़रूरी कार्ड्स भी इसके साथ गुम हो जाते हैं। लेकिन अब ये स्टनिंग डिज़ाइन वाला वॉलेट गुम हो जाने के बाद भी आप फिर से पा सकते हैं, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट रहता है और आपसे ज़्यादा दूर हो जाने पर आपके स्मार्टफोन में नोटिफिकेशंस भी दे देगा। और अगर इसे ले जाकर कोई इसकी चेकिंग कर रहा है या इसका पिक्चर आपके स्मार्टफोन पर पहुंचा रहा है, जिसकी इसके उठाने वाले की पहचान भी बहुत आसानी से हो जाएगी। और हमारा स्मार्टफोन स्मार्ट डिवाइस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनकी बैटरी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास यह मैन वॉलेट है तो इसकी 2600 mAh की बैटरी आपके स्मार्टफोन को कहीं से भी आसानी से चार्ज कर सकता है। इसके साथ आप अपने वायर वाले स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं और वायरलेस वाले स्मार्टफोन को भी। और हमें इंटरनेट की ज़रूरत कहीं भी पड़ जाती है, लेकिन हर जगह पर नेटवर्क नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास ये वॉलेट है तो इसके हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके आप कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं और अपना काम बिना नेटवर्क के इसके हॉटस्पॉट के साथ भी बढ़िया तरीके से खत्म कर सकते हैं। नंबर 8, एरिक्स। हवा में फ्लाइंग करने वाले हेलीकॉप्टर और ड्रोन कितने बड़े होते हैं वह आपको मालूम है, और हमने कई बार इनके बारे में देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हवा में फ्लाइंग करने वाले कोई ड्रोन 3x3 cm के साइज का हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। ये इतने ही साइज का और इतना ही छोटा है। यह क्वाडकॉप्टर दुनिया का स्मॉलेस्ट क्वाडकॉप्टर है, और अगर रोबोट मूवी में यह वाला रोबोट क्वाडकॉप्टर होता तो फिर चिट्टी रोबोट इसकी मदद से मच्छर को यूं ही परेशान कर देता। यह इतना छोटा है और लाइट वेट है, इसके बावजूद यह रिमोट कंट्रोलिंग से कंट्रोल होता है। इसके लिए रिमोट भी है, और यह 20 मिनट तक एक साथ चार्ज होने पर हवा में 5 से 7 मिनट तक उड़ सकता है। स्मॉलेस्ट क्वाडकॉप्टर 4 अलग अलग कलर में अवेलेबल है, और इसकी छोटे घूमते हुए ब्लेड्स इसे हवा में बहुत ही आसानी से उड़ा देते हैं। और इसका एक खास फीचर, इसमें वाईफाई FPV वीडियोग्राफी सिस्टम भी है। यह अपने बढ़िया कैमरे क्वालिटी के साथ आपको लाइव वीडियोग्राफी दिखा सकता है, पिक्चर्स भी ले सकता है, जिससे आप अपनी आसानी से फ्लाइंग करवाते हुए अपने स्मार्ट टैबलेट से वीडियो या फोटो दोनों ले सकते हैं। नंबर 7, ओरा ड्रोन। क्रिश 3 में जिस तरह से विवेक ओबरॉय के हाथ में ताकत होती है और वह अपने हाथ के और अपने उंगलियों के मूवमेंट से बहुत कुछ कर लेता है। Yes, Kaya. वैसे ही ताकत आपके हाथों में आने वाली है, क्योंकि यह ड्रोन कैसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और इसके क्लॉक को पहनने के बाद इस ड्रोन की फ्लाइंग का कंट्रोल आपके हाथों के मूवमेंट और आपके हाथों की दी हुई कमांड पर डिपेंड करेगा। इसके ग्लव्स को पहनने के बाद और इसे चलाते हुए आप कहीं भी बैठे हुए या फिर सिर्फ अपने हाथ के मूवमेंट से इसे कंट्रोल करते हुए बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। अपनी हाथ की कलाई को अप डाउन करके आप से ही अप डाउन करवा सकते हैं, पूरी तरह से रोटेट करवा सकते हैं, और इसका ग्लव भी आपके हाथों में बहुत यूनिक लगता है। और यह रोल लाइट वेट है और बहुत छोटा भी, जिसका सर्कुलर डिजाइन हवा में इजीली फ्लाइंग करने में मदद करेगा। अपने बच्चों को गिफ्ट में कुछ रिमोट कंट्रोल वाला देना चाहते हैं तो आप हाथों की कंट्रोल वाली कोई चीज दे ही दीजिए। नंबर 6, पावर ऑफ 3.0। स्कूल क्लासेस के बाहर आते ही फ्रेंड्स में अपने हाथों से बने हुए पेपर प्लेन को उड़ाने की और ज्यादा दूरी पर पहुंचाने की शर्त शुरू हो जाती है, लेकिन यह इतनी दूर तक नहीं जा पाते और आपकी मर्जी के हिसाब से उड़ भी नहीं पाते। और इसे देखते हुए स्कैन सेंटर के दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं जो पेपर प्लेन को एक गैजेट प्लेन में तब्दील कर दें,
वह एक मशीन के साथ हवा में उड़ने लग जाए और इसके साथ बना दी गई एक ऐसी मशीन जो हवा में उड़ते हुए पेपर के साथ इसे किसी भी तरह के ड्रोन या प्लेन की तरह हवा में उड़ा देती। लेकिन इसे बनाने के बाद इसके इन्वेंटर को किसी ने चैलेंज किया कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर इसका बनाया गया एक कंट्रोलर जो आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन से कंट्रोल होता है और यह हवा में 180 फीट की दूरी तक आपके स्मार्टफोन से आसानी से कंट्रोल भी होता है। इसमें रिचार्जेबल टाइनी बैटरी है जिसे आप एक स्मार्टफोन को या फिर स्मार्ट डिवाइस को चार्ज करने की तरह यूज कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, पेपर प्लेन उड़ाने की होड़ लगा ही लीजिए क्योंकि इस बार शर्त आप ही जीतेंगे। नंबर 5, इफी लूमस स्मैरी बल्ब। घर में कोई चीज़ हो या ना हो, लाइटिंग ज़रूर होती है और अगर लाइटिंग नहीं होगी तो फिर हमें घर में कुछ भी देखने नहीं मिलने वाला। और फिर बल्ब तो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, तो क्यों ना इसे थोड़ा स्मार्ट बना दिया जाए। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बना दिया गया है क्योंकि ये आपके वॉइस से कंट्रोल होगा। यानी कि आप अपने वॉइस से कहेंगे ऑन या ऑफ तो यह ऑन या ऑफ हो जाएगा। इस बल्ब को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद म्यूज़िक के हिसाब से या आपके मस्ती के हिसाब से, मूवी के हिसाब से इसे कंट्रोल करेंगे। इसकी ब्राइटनेस को आप अपने स्मार्टफोन से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर आने का और घर से जाने का कुछ टाइमिंग है और बार बार आपको बल्ब को बंद करना भूल जाते हैं तो इसके साथ आप टाइमिंग फिट कर सकते हैं और अपने अलार्म के साथ यह बिल्कुल सही टाइम पर चालू और बंद हो जाएगा। तो गाइज, वैसे तो बल्ब एक ही कलर का होता है लेकिन ये बल्ब 1,60,00,000 अलग अलग कलर्स में है, जिसे आप एक म्यूजिक, आपकी मस्ती, फिर आपका नाइट में एंजॉयमेंट और बहुत ही यूनिक में होने वाला इसे आप अपने घर के एक स्मार्ट लाइटिंग सेटअप में चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, इल्यूमी बाउल। घर की दीवारों पर हम भाई लाइट लगाते हैं और टॉयलेट में भी वही लाइटिंग सेटअप करते हैं जो पूरी जगह पर करते हैं, लेकिन उससे दीवारें तो दिख जाती है लेकिन हमारा टॉयलेट हमें क्लीन या बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता। और अगर आप अपनी टॉयलेट सीट से अलग लाइटिंग सेटअप या आसपास लाइट लगवाना चाहते हैं तो आप बिना ज्यादा सेटअप के अपनी टॉयलेट सीट के साथ इसे फिट कर दीजिए। लाइटिंग इल्यू बाउल जो कि मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ है और आप जैसे ही अपने टॉयलेट में जाएंगे यह चालू हो जाएगी और नाइट में अपनी टॉयलेट में लाइटिंग का बटन आपको नहीं मिलता तो आप फिर बेफिक्र होकर अपनी टॉयलेट में सीट के पास तक जा सकते हैं। यह लाइटिंग टॉयलेट सीट को क्लीन दिखाने में अलग अलग तरह के 5 तरह से कलर को आपको अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करने में मदद करेगी। इसकी मदद से आप अपने टॉयलेट को क्लीन रखने में, सेफ रखने में बहुत ज़्यादा मदद ले सकते हैं। नंबर 3, लुमिनूरर। घर की वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए हम उस पर बहुत ही शानदार पेंट करवाते हैं और उसके बाद हम अपने पसंदीदा LED टीवी अपने मन के साइज़ के हिसाब से उस पर फिट करवा देते हैं। और यह LED टीवी जब हम चलाते हैं तभी इसमें बहुत थोड़ी बहुत लाइट हमारी वॉल पर पड़ती या फिर हम उसे सामने से देख पाते हैं, जिससे हमारी खूबसूरत वॉल LED टीवी जब हम नहीं चलाते तो दीवार पर बहुत बोरिंग लगती है। तो फिर बिना देरी किए अपने LED टीवी के पीछे फिट कर देते हैं यह लाइटिंग सेटअप, जिसे आप अपनी मर्जी से LED टीवी के चारों कोनों पर आराम से लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको दूसरे किसी स्विच की ज़रूरत नहीं होगी, ना केबल्स की। इसे आप वायरलेस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और LED लाइट चलाते हुए आपको उसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना है। तो आपकी मूवी को देखते हुए आपकी नज़रों को दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाना है तो यह LED लाइट जिसके कई सारे डिफरेंट कलर और आपके LED टीवी के पीछे जलते रहेंगे और आप इधर उधर नहीं देखेंगे। और सिर्फ इसे टीवी के पीछे ही इंस्टॉल मत कीजिए, आप अपनी कार में, आपके घर पर और जहां भी आप चाहें मर्जी से आपके हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप नाइट में बाइसिकल राइडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ बल्ब गैजेट छोड़िए और LED लाइट तो ज़रूर अपने आसपास लगा लीजिए, जो बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है, एक मजबूत जोड़ की तरह चिपक भी जाता है और निकल भी जाता है, जिससे आपकी बाइसिकल लाइटिंग नाइट में बहुत ज़्यादा सेफ और क्यूट लगती है। फिलिप्स हुए अपने आसपास की दीवारों पर, यहाँ वहाँ जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे आपको इस कंपनी का कोई बल्ब या लाइटिंग सेटअप ज़रूर दिख जाएगा। और नहीं भी दिख रहा हो तो आपने इसके बारे में कई सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे और कहीं ना कहीं तो इसे ज़रूर देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बनाने वाली और डिजिटल चीज़ों को लाइटिंग बल्ब बनाने वाली यह कंपनी अब लाई है यह स्मार्ट बल्ब, जिसके लिए आपको अपनी वॉल पर अपने घर में वायर को ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने साथ वायरलेस कंट्रोलिंग रखती है और इसका स्विच आप आसानी से बिना किसी वायरिंग सेट के अपनी वॉल पर लगा सकते हैं या फिर आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। और म्यूज़िक सुनते हुए अगर आपको लाइटिंग सेटअप और लाइटिंग ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करनी है या फिर बदलने की और म्यूज़िक के हिसाब से उसे सेट करने की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मदद से अपने म्यूज़िक के हिसाब से लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 16 मिलियंस कलर हैं और 50,000 डिफरेंट शेड्स, जो आपकी वॉल पर बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और लाइटिंग का यह नया सेटअप आपको वायर वाली प्रॉब्लम से दूर कर देगा, जिससे कि घर में अनसेफ्टी जो बनी हुई रहती है वो लाइटिंग शॉर्टिंग प्रॉब्लम की वजह से कभी नहीं होगी और ज़्यादा हानिकारक भी हो जाती है, तो इसके साथ वह सेफ्टी आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। नंबर 1, रिमफायर लाइटिंग सिस्टम। बचपन में इस तरह के कई सारे शौक आपने पहले लिए होंगे, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए होंगे क्योंकि उस वक्त शायद इस तरह की LED लाइट्स नहीं बनी थी।
और हम अपनी बाइसिकल में इसे करने के लिए कुछ छोटा बल्ब लगाते थे, वह भी बहुत शानदार लगता था। तो अगर आप बाइसिकल को सिर्फ अपने बाइसिकल ही नहीं अपनी मस्ती वाली चीज़ या साथी समझते हैं तो उसमें यह लाइटिंग सेटअप लगा दीजिए। इसके टायर के एक व्हील में लाइटिंग सिस्टम लगाने के बाद आप डिफरेंट तरह के नो डिस्प्ले में इसके व्हील्स को घुमाते हुए दिखा सकते हैं, वह भी LED लाइट्स के साथ। और नाइट में अपने बाइसिकल लेकर अपने दोस्तों के साथ शहर पर निकल जाएंगे और आपको मस्ती भी करनी होगी। आप अपने बाइसिकल के टायर के घुमाते हुए किसी भी रोड को DJ वाले रोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जलती हुई लाइट्स इसके कलर को बहुत ही बढ़िया शेड्स देती है। आप अपनी बाइसिकल के साथ डांस करते हुए डिस्को का मजा ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे साइकिल चलाना पसंद नहीं भी करते हैं और आप चाहते हैं कि वह अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए बाइसिकल चलाएं, तो बाइसिकल के दिन यह LED लाइटिंग का सेटअप आप करवा दीजिए। फिर वह आपके कहे बिना ही बाइसिकल को उठाकर खूब ज़्यादा इसे चला भी लेंगे और इसके व्हील्स को घुमा भी लेंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो पर अपने विचार प्रकट कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।